हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं कि पैरामिलिट्री के अंदर में जो है जितना भी फोर्सेस है, जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, और जो पांचवा फोर्सेस है, और ये एक और जो है असम राइफल जो है, इसके अंदर में कितना स्ट्रेंथ है और टोटल स्ट्रेंथ कितना है करके, उसके बारे में हम लोग जो है देखते हैं कि किस किस फोर्स में कितना स्ट्रेंथ है और किस में ज़्यादा है करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि अगर जो है बीएसएफ के बारे में बात करते हैं, बीएसएफ माने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और इसमें जो है इनकी फॉर्मड जो है 1 दिसंबर 1965 में फॉर्मेशन हुआ है इसकी फोर्स की, और आज की डेट में एक्टिव पर्सनल्स है 257,363 मेंबर्स हैं, एक्टिव पर्सनल्स हैं। ये जो है दोस्तों, जो भी फोर्स की जो है डिटेल्स बता रहा हूँ, थोड़ा ऊपर और नीचे हो सकता है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन मैं ले रहा हूँ ये गूगल से, विकिपीडिया से मैं बता रहा हूँ आपको, कोई मैं रट के नहीं आया, कोई मैं एकदम मतलब इतना जानकार बंदा भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ और जो है ये गूगल विकिपीडिया से आप लोग को मैं इतना ही जानकारी जानना चाहता था कि कितना कितना फोर्स में, जो फोर्सेस में जो है कितना स्ट्रेंथ अभी एक्टिव पर्सनल्स है उसके बारे में मैं बताना चाहता था। तो उसके बाद में देखते हैं बीएसएफ के बाद में सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो फॉर्मेशन जो है 27 जुलाई 1939 में इसकी फॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद में जो है इसकी एक्टिव पर्सनल्स कितना है, फोर्स मेंबर्स यानी कांस्टेबल जीडी से लेकर डीजी तक कितना ये जो है एक्टिव पर्सनल्स है इसकी जो है 3,13,678 मेंबर्स जो है एक्टिव पर्सनल्स है सीआरपीएफ में। उसके बाद में जो है इनकी सीआरपीएफ होने के बाद में, और उसके बाद में नेक्स्ट फोर्स हम लोग बात करते हैं तो सशस्त्र सीमा बल के बारे में बात करते हैं, एसएसबी। तो एसएसबी जो है फॉर्मेशन हुआ है 1963 में हुआ है। अभी जो आज की डेट में जो एक्टिव पर्सनल्स हैं 76,337 एक्टिव जो पर्सनल्स हैं एसएसबी में है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं आईटीबीपी, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स, उसकी उसमें एक्टिव पर्सनल्स कितना है और ये जो है फॉर्मड कब हुआ है, 24 अक्टूबर 1962 में जो है आईटीबीपी जो है फॉर्मेशन हुआ है। और उसके बाद में आज की डेट में जो है इनकी एक्टिव पर्सनल्स कितना है, 89,432 मेंबर जो है एक्टिव पर्सनल्स हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट फोर्स हम लोग बात करेंगे तो असम राइफल, असम राइफल जो है फॉर्मेशन हुआ है 1835 में, 1835 में हुआ सबसे ज़्यादा मतलब सबसे पुराना अगर हम लोग बात करेंगे तो असम राइफल की नंबर आता है। तो ये जो है इसकी आज की डेट में एक्टिव पर्सनल्स है 63,747 आज की डेट में एक्टिव पर्सनल्स है। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो एसएससी जीडी में निकलता है इसी में जो है असम राइफल का वैकेंसी निकलता है, बाकी जो एसएससी सीपीओ निकलता है इसमें असम राइफल का वैकेंसी जो है सब इंस्पेक्टर या किसी अन्य पद के लिए जो है इसकी एसएससी में वैकेंसी नहीं निकाला जाता है, और यूपीएससी एसी में भी असम राइफल का नहीं निकाला जाता है, उसकी अलग सिलेक्शन है, उसके बारे में भी मैं बता दूंगा। और उसके बाद में एक स्पेशल फोर्स आता है इसकी जो है उसकी नाम है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इनकी मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी है। इनकी फॉर्मेशन डेट है 08 मार्च 1969 में हुआ है, और आज की डेट में एक्टिव पर्सनल्स है 18 पर्सनल्स आज की डेट में एक्टिव पर्सनल्स हैं। तो दोस्तों, मैं मेरा इस वीडियो के बनाने का मकसद ये था कि आप लोग जो फोर्स के लिए ट्राई कर रहे हो उसमें कितना कितना फोर्स मतलब जो भी फोर्स में है कितना एक्टिव पर्सनल्स है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत जो है नॉलेज दिया हूँ। इस नॉलेज सिर्फ और सिर्फ जो है गूगल विकिपीडिया से मैं लिया हूँ, कहीं और से नहीं लिया हूँ। आप भी अगर चाहता है तो आप जाके चेक कर सकते हो, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स करके आप टाइप करेगा, उसके बाद में विकी आप डालेगा तो वहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन आएगा, कोई भी फोर्स को आप सेलेक्ट करके वहाँ पे कितना कितना आज की डेट में मतलब वो फोर्स कब चालू हुआ है, उसकी जो है फॉर्मेशन मतलब चालू मतलब फॉर्मेशन कब हुआ है, और आज के डेट में एक्टिव पर्सनल्स कितना है, और अन्य मतलब जानकारी उसमें ले सकते हो आप।
तो दोस्तों इस वीडियो यहीं तक है। मैं समझता हूँ कि अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए। प्लीज़ दोस्तों लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि अगर लाइक करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको मेरा वीडियोस कितना अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद में अगर कुछ कमेंट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में कीजिए, मैं कोशिश करता हूँ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए कमेंट्स में, मतलब आपको रिप्लाई करने के लिए। और दोस्तों अगर आप नया बंदा है हमारा इस चैनल पे, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हमारा चैनल पे इसी रिलेटेड में जो है कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट करते रहते हैं, खास करके फोर्स के बारे में। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।